प्यारे देशवासियों, आप सभी को रामदेव सिंह का जोहार, नमस्कार और प्रणाम। देशवासियों, आजकल राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में अराजकता फैलाया जा रहा है, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा है, ये समय है इस दौर में हम इस बातों को समझ ले, तभी हमारे आने वाले कल की भविष्य सुरक्षित रहेगी। अन्यथा देश की एकता और अखंडता में बहुत बड़ा खतरा है। कंगना रनावत जी का बयान मैंने सुना, सुन के मुझे उनकी मानसिकता पर हंसी भी आई। ऐसे लोग जिनके पास देश के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही राष्ट्रवाद के बारे में जानकारी है, और यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा ऐसे लोगों के पास में हिंदुत्व का भी कोई जानकारी नहीं है कि हिंदुत्व किसे कहते हैं। मैं एक कवि की रचना को मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। उससे सुनने के बाद आप खुद में तय करें कि ऐसे फर्जी राष्ट्रवादी लोगों से कैसे आपको बचना है और कैसे जवाब देना है। आइए, मैं उस रचना को सुनाने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की, हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की, कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों की बलिदानों की। राष्ट्रभक्ति का मंदिर जिस दिन टूट गया नादानी में, और सिर्फ सिसकियां ही पाएंगे हम संतों की वाणी में। भारत माता के आंचल को मत बांटो बेताबी में, भगत सिंह के लाश के टुकड़े तड़प उठेंगे लॉबी में, और गीत नहीं गाए जाएंगे कौन बांसुरी फूकेगा, गीत नहीं गाए जाएंगे कौन बांसुरी फूकेगा, और निकलेगी ये देश की समूचा खामोशी शमशानों की, कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों की बलिदानों की, और सिसक सिसक कर बाग ये जलिया वाला पूछेगा हमसे, सिसक सिसक कर जलिया वाला बाग पूछेगा हमसे, और सवा लाख में एक लड़ाओ वाला पूछेगा हमसे, क्यों वीरों की कुर्बानी का चमन बांटने निकले हो। सिसक सिसक कर जलिया वाला बाग पूछेगा हमसे, क्यों वीरों की कुर्बानी का चमन बांटने निकले हो, और किस हक से तुम उधम सिंह का वतन बांटने निकले हो, और हम चिराग थे बापू नेहरू चंद्रशेखर आजाद और सुभाष की आत्मा की, और क्यों उतारने लगे आरती अंधियारे तूफानों की, कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों के बलिदानों की, हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की, हिंदुस्तान बना देना मत इन लाशों पर इंसानों की। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत,